जोधपुर से आ रही है, जोधपुर के बिलाड़ा से ये बड़ी खबर है। तीन लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैली है। एक युवक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो जोधपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, बिलाड़ा में तीन लोगों की हत्या से सनसनी इलाके में फैल चुकी है। हालांकि पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। एक युवक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इसके पीछे मकसद क्या था ये अब तक साफ नहीं है कि आपसी रंजिश थी या कोई और वजह है, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक युवक की हालत गंभीर है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है, सुराग तलाशने की कोशिश, ताकि हथियारों को लेकर कुछ जानकारी यहां पर मिल सके। जोधपुर के बिलाड़ा से ये बड़ी खबर है, तीन लोगों की हत्या यहां पर की गई है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैली है। पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है। चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, तीन लोगों की हत्या बिलाड़ा में हुई है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर मिल पाई? देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। धारदार हथियार लोग लेकर आए, पति पत्नी और बच्चे को मौत की घाट उतार दिया। देखिए, सीधे तौर पर तो कोई आपसी रंजिश की बू आ रही है, लेकिन क्या रंजिश थी, कौन वो लोग थे, आगे क्या उन्होंने इसको शिकार बनाया, और ये हो सकता है लूट की वारदात, जो आमतौर पे जो दूर दराज इलाके के जो गांव होते हैं जहाँ सन्नाटा पथरा होता, तो ऐसे में हो सकता है लूट की नहीं है। जैसा कि कोरोना के बाद में मानकर के चले थे किस तरीके के अपराध बनते थे, लेकिन कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा। जो मनीष देव है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, वो कुछ पूरे मामले को लेकर के पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अपने आप में हैरान करने वाली बात है। पूरे गांव के अंदर सनसनी फैल गई है, लोग थोड़ा सा है सहमे भी है कि अचानक से दिन दोपहर के अंदर इससे की जो घटना सामने आई है ये अपने आप में चौंकाने वाली है। कुछ देर बाद में जब आसपास के इलाके के लोगों से, हो सकता है कि गांव में सीसीटीवी फुटेज में नहीं होता है, बिलाड़ा से 15 किलोमीटर दूर एक गांव की घटना है, तो कुछ देर बाद तक खुलासा हो सकेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जांच की जा रही है, तीन लोगों की हत्या की गई है, सुराग तलाशने की कोशिश। चलिए अब